Hello everyone, welcome to CatNest YouTube channel and educational institution. I'm Ashia. In today's video, I'm going to teach you in Microsoft Word how to make a letterhead design in Microsoft Word. So, Microsoft Word में letterhead design हम कैसे create कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. जैसे कि first of all आपको क्या करना है, एक letter heading design के लिए layout tab का उपयोग करना पड़ेगा. layout tab में जाके आप size select कीजिए, आपको कौन सा size चाहिए वो size इधर पे ले सकते हैं. मुझे A4 size चाहिए तो मैं A4 size ले लूंगी. उसके बाद आप margin से adjust कर लो. आप देख सकते हो various मैंने previous videos में आपको बताया है कैसे हम मार्जिन्स को ले सकते हैं. तो मैं इधर पे आके नैरो ले लूंगी. मैं क्यों नैरो ले रही हूँ आपको ये पता चलेगा. लाइक टॉप में हम मुझे 1.27 सेंटीमीटर चाहिए, इसीलिए मैं नैरो सेंटीमीटर इधर पे ले रही हूँ. तो उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, शेप्स में जाना है. शेप्स में जाके मैं क्या कर दूंगी, इधर पे इंसर्ट कर दूंगी. इंसर्ट में जाइए, आपको शेप्स ऑप्शन मिलेगा. शेप्स में जाने के बाद मैं इधर पे पहले सेलेक्ट कर लूंगी, इधर पे फ्लो चार्ट मैनुअल इनपुट सेलेक्ट करके इधर पे मैं क्या कर दूंगी, उसको करेक्ट से ड्रैग कर दूंगी. ड्रैग करने के बाद इसमें क्या कर सकते हो आप, और ड्रॉप क्रॉप कर सकते हो. क्रॉप करने के लिए सिर्फ आपको ऐसे ऊपर से घुमा के ऐसे क्या करना है, उसको क्रॉप करना है. तो अच्छे से उसको क्या करना है, आपको क्रॉप करना है. क्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगी. ऊपर लेके जाने के बाद आपको फिर से क्या करना है, कंट्रोल डी करके मैं और एक ट्रैक कर लूंगी. तो देखिए आप इधर पे देख सकते हो मैंने और एक ट्रैक किया है. तो अभी मैं इसमें क्या करूंगी, नीचे वाले शेप का शेप फिल कर दूंगी. फॉर्मेट टैब ओपन हो गया है. फॉर्मेट टैब में जाके आप क्या कर सकते हो, इसमें एक फिल कर सकते हो. जैसे कि मैं इधर पे फिल कर रही हूँ, जैसे कि मैं नीचे वाले शेप में मुझे ब्लैक फिल चाहिए, तो मैं नीचे वाला शेप सेलेक्ट करके इसमें क्या कर दूंगी, ब्लैक फिल कर दूंगी. तो इस वाले शेप में मुझे क्या चाहिए, रेड फिल चाहिए. रेड फिल लगाने से पहले कंट्रोल डी करके सेम एज इट इज मैं ऐड कर लूंगी. ऐड करके इसको भी थोड़ा ऊपर ले लूंगी. तो मुझे सेकेंड वाले शेप में क्या करना है, रेड फिल लगाना है. तो मैं सेकेंड वाले शेप में जाके रेड फिल लगा दूंगी. आप देख सकते हो इधर पे मैंने रेड फिल लगाया है. अगर आप उसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो. जैसे कि देखिए मैं इधर पे थोड़ा छोटा कर रही हूँ. ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो. अभी मैं उसका एक ग्रुप बना लूंगी. ग्रुप बनाने के लिए शिफ्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको. शिफ्ट होल्ड कीजिए. शिफ्ट होल्ड करके तीन शेप्स को भी आपको सेलेक्ट करना है. थ्री शेप्स को भी सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए. फॉर्मेट में जाके आप उसका क्या कर सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो. मैंने ग्रुप बना लिया. तीन शेप का भी मैंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया है इधर पे. उसको थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहो तो आप ऊपर ले जा सकते हो. इसको भी थोड़ा ऊपर लेना चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो. जैसे कि मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है. शिफ्ट यूज करके मैं करेक्ट से और एक बार ग्रुप क्रिएट कर लूंगी. ग्रुप में जाके ग्रुप के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका एक ग्रुप क्रिएट हो गया. अभी मुझे आउटलाइन रिमूव करना हो तो शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन दूंगी. तो देखिए आप इधर पे देख सकते हो आउटलाइन इधर पे रिमूव हो गया है. अभी मुझे इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो, तो इसका भी मैं फिल चेंज कर दूंगी. तो शेप फिल में जाके मैं क्या करूंगी, इधर पे व्हाइट फिल ले लूंगी. व्हाइट फिल लेने के बाद इधर पे अभी देख सकते हो मैंने व्हाइट फिल लिया है. तो मैं फिर से कुछ टेक्स्ट ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब में जाऊंगी. इंसर्ट टैब में जाके इधर पे मैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूंगी. टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आपको ऑप्शन मिलेगा. ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कीजिए. ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करके इधर पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए. अभी मैं इधर पे ऐड करूंगी, टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ. टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं एक वर्डर स्टाइल में एक इफेक्ट ले लूंगी. जैसे कि मैंने ये वाला इफेक्ट लिया है. ये इफेक्ट को लेके अभी मैं क्या करूंगी, एक टेक्स्ट को इधर पे इंसर्ट कर लूंगी. सेम एज इट इज मैं और एक ले लूंगी. और एक टेक्स्ट बॉक्स को इधर पे इंसर्ट कर लूंगी. सेम एज इट इज और क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स में जाके सेम टेक्स्ट बॉक्स इधर पे ड्रॉ करना है. तो मैं इधर पे ही और एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूंगी. इसमें मैं क्या करूंगी, एड्रेस एड कर लूंगी. तो मैं उसको सेलेक्ट करके अभी सेंटर में अलाइन कर दूंगी. जैसे कि मैं इधर पे सेंटर अलाइनमेंट ले रही हूँ. आपको स्पेस थोड़ा रिमूव करना हो तो डायरेक्टली इधर पे जाके स्पेस थोड़ा रिमूव कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली इधर पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ देके इसको रिमूव कर सकते हो. इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूंगी. तो थोड़ा छोटा कर लूंगी तो एक अरब से एडजस्ट हो जाएगा. एडजस्ट होने के बाद अगर आप इसमें फिल करना चाहते हो तो फिल भी कर सकते हो. आपको कौन सा कलर चाहिए वो कलर देके आप इधर फिल कर सकते हो. जैसे कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, इधर पे टेक्स्ट फिल में मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर ही मैं इधर पे इंसर्ट कर सकती हूँ. अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आप इधर पे क्या कर सकते हो, रेड कलर इंसर्ट कर सकते हो. अभी मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो मैं इधर पे ब्लैक कलर ही इंसर्ट कर लूंगी. अगर आपको टेक्स्ट आउटलाइन रिमूव करना हो तो नो आउटलाइन करने से क्या हो जाएगा, आउटलाइन रिमूव हो जाएगा.
उसके बाद में आपको देखिए, आप कोई भी लेटर हेड डिजाइन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लोगो इंसर्ट करना बहुत जरूरी रहता है। तो मैं इधर पे क्या करूंगी, एक लोगो इंसर्ट कर लूंगी, कैडनेश का लोगो ही मैं इधर पे इंसर्ट करूंगी। आपको शेप्स में जाना, सॉरी आपको पिक्चर्स में जाना है। पिक्चर्स में जाके मैंने ऑलरेडी एक लोगो मैंने इधर पे सेव करके रखा है, तो मैं उस लोगो को क्या करूंगी, इधर पे सेलेक्ट कर लूंगी। जैसे कि मैं इधर पे कैडनेश लोगो ले रही हूँ, लेके मैं इधर पे इंसर्ट करूंगी, तो देखिए आप देख सकते हो मैंने एक लोगो इधर पे इंसर्ट किया है, तो इसको मैं करेक्ट से ये कर लूंगी। आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर रहे होते हो तो राइटली देखे आपको क्या करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेना है। तो मैं इधर पे क्या करूंगी, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लूंगी। टेक्स्ट लेके अभी मैं इस पिक्चर को क्या करूंगी, इसमें ड्रैग कर लूंगी। इस पिक्चर को मैं थोड़ा क्या कर लूंगी, छोटा कर लूंगी, तो लोगो हमेशा छोटा ही रहना है। तो मैं इधर से करेक्ट से इस लोगो को एडजस्ट कर लूंगी। आप थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स इधर पे मूव करना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स इधर पे क्या कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो, जैसे कि मैं इधर पे कर रही हूँ। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा मूव कर सकते हो और अपने लोगो को थोड़ा बड़ा कर सकते हो। आप एडजस्ट करना है, आप कैसे एडजस्ट करना है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो उतना होने के बाद अभी मैं फिर से क्या करूंगी, इधर पे कुछ लिखना है तो मैं क्या करूंगी, इधर पे लिख लूंगी, जैसे कि मुझे ईमेल एड्रेस लिखना हो या फिर एक रेफरेंस नंबर लिखना हो या फिर पेज नंबर लिखना हो, कुछ भी इधर पे मैं ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ऐड कर रही हूँ रेफरेंस नंबर। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूंगी, जाके साइज थोड़ा इंक्रीज कर लूंगी। तो मैं साइज इधर पे आके 20 ऐड कर रही हूँ। या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स में भी इंसर्ट कर सकते हो, उसको एडजस्ट करके आप टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करोगे तो आप परफेक्ट से लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्टली आप शेप में भी ले सकते हो या फिर टेक्स्ट बॉक्स में भी ले सकते हो। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, टेक्स्ट बॉक्स से ही इंसर्ट कर लूंगी। इधर पे जाके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके मैं डायरेक्टली इसमें क्या करूंगी, और एक टेक्स्ट बॉक्स इधर पे इंसर्ट कर लूंगी। इंसर्ट करके आप उस टेक्स्ट बॉक्स को आगे जाके डिलीट भी कर सकते हो, मैं बताऊंगी आपको कैसे उसको डिलीट करना है। तो मैंने इधर पे रेफरेंस नंबर ऐड कर दिया है। रेफरेंस नंबर ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इधर पे डेट भी लगा सकते हो। टैब देके इधर पे आप डेट कॉर्नर में, टॉप बॉटम कॉर्नर में आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट कॉर्नर में आप इधर पे डेट भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं इधर पे लगा रही हूँ डेट। डेट लगा के प्रेजेंट डेट, आप जो भी जो डेट को आप लेटर दे रहे हो उस डेट का आप इधर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं आज लेटर लिखने के लिए दे रही हूँ तो आज का डेट उधर पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर पे अभी लगाया है। उसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करना हो तो डायरेक्टली आपको जाना है होम में। होम में जाके इधर पे पेज बॉर्डर बॉर्डर्स ऑप्शन रहेगा, उस बॉर्डर्स में जाके सिर्फ आपको नो बॉर्डर लगाना है। नो बॉर्डर लगाने से क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपको नहीं रिमूव करना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे ही रख सकते हो। आप अगर रिमूव करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, उस टेक्स्ट बॉक्स को आप क्या कर सकते हो, नो बॉर्डर देके आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो मैं उसको थोड़ा बोल्ड कर रही हूँ, तो बोल्ड करूंगी तो परफेक्ट दिखेगा। थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर लूंगी, देखिए आप इधर पे देख सकते हो। और अभी मैं इसमें वाटरमार्क लगाऊंगी, जैसे कि मैं लेआउट में जाऊंगी, डिजाइंस में जाऊंगी, डिजाइंस में जाके इधर पे वाटरमार्क रहेगा। वाटरमार्क को सेलेक्ट करके आपको जो वाटरमार्क चाहिए वो वाटरमार्क इधर पे लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे कस्टम वाटरमार्क पिक्चर ऐड करना हो तो कस्टम वाटरमार्क में जाऊंगी। कस्टम वाटरमार्क में जाके इधर पे पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करूंगी, इधर पे सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन आएगा। डायरेक्टली आप इधर जाके क्या कर सकते हो, वाटरमार्क एक पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी सेलेक्ट कर रही हूँ कैटनेस लोगो। आपको हमेशा आपके लेटर हेडिंग में आपको कैट लोगो ही लगाना है। आप जो भी चीज का आप लेटर हेडिंग प्रिपेयर करते हो उसको लोगो लगाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इधर पे लोगो ही इंसर्ट कर लूंगी, जैसे कि मैं कैटनेश लोगो इधर पे इंसर्ट कर रही हूँ। आप इधर पे अपना साइज थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो थोड़ा साइज आप इधर पे क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जैसे कि मैंने 150 कर लिया है। 150 करके अभी मैं क्या करूंगी, उसको अप्लाई करूंगी। तो आप देख सकते हो कैटनेश लोगो इधर पे आ गया है। आप शीट देख सकते हो, अपनी शीट में आप देख सकते हो लाइट कलर से इधर पे कैटनेश लोगो इंसर्ट हो रहा है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपना लोगो भी इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे बॉटम। बॉटम फुटर में आपको क्या ऐड करना है, फुटर में सेम एज इट इज मैं इधर पे क्या ऐड कर दूंगी, मेल आईडी ऐड कर दूंगी और वेबसाइट ऐड कर दूंगी। तो मैं फिर से इंसर्ट में जाऊंगी, इंसर्ट में जाके शेप में जाऊंगी, शेप में जाके नॉर्मली इधर पे मैं ऐड कर रही हूँ रेक्टेंगल। तो मैं इधर पे क्या कर लूंगी, रेक्टेंगल को ऐड कर लूंगी। रेक्टेंगल को ऐड करने के बाद इधर पे मैं क्या करूंगी, जाके शेप फिल में जाके कलर रिमूव करूंगी। आपको कलर अगर दूसरा लगाना हो तो आप इधर पे दूसरा कलर लगा सकते हो, बट मैं इधर पे आके ब्लैक कलर लगाऊंगी। ब्लैक कलर लगाने से पहले मैं इधर पे क्या कर लूंगी, कंट्रोल टी करके इसका थोड़ा ड्रैग कर लूंगी तो सेम इधर पे आएगा। तो कंट्रोल डी करना है, कंट्रोल डी करने से और एक इधर पे आ गया, तो सेम इधर पे इंसर्ट कर लूंगी।
तो मुझे इसमें कौन सा कलर लगाना है, तो मुझे इसमें शेप फिल ब्लैक करना है, तो मैं इसमें शेप फिल ब्लैक कर दूंगी, सेम एज इट इज कंट्रोल डी करके और एक इंसर्ट कर दूंगी। तो इसमें मुझे कौन सा फिल चाहिए वो फिल ले सकती हूँ, जैसे कि मुझे इसमें चाहिए रेड फिल, तो आपका लोगो कौन सा रहेगा वैसे ही देख के आपको कलर्स भी इंसर्ट करना है। तो मैं इधर पे रेड फिल ले लूंगी, अभी मुझे इसमें चाहिए व्हाइट फिल, तो मैं इसमें व्हाइट फिल लगाऊंगी। व्हाइट फिल लगा के इसमें आप क्या कर सकते हो, ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सभी कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे कि इसको थोड़ा मूव करना है, थोड़ा मूव करके इसको करेक्ट से एडजस्ट करना है। तो देखिए अब मैं करेक्ट से उसको एडजस्ट कर रही हूँ, तो आप इधर पे देख सकते हो सभी का एक ग्रुप बनाना है, शेप होल्ड करके सभी शेप को सेलेक्ट करके उसका एक ग्रुप बना लीजिए, सेम एज इट इज मैंने ऊपर वाले में दिखाया था, हेडर में दिखाया था, सेम एज इट इज आपको इधर भी ऐसे ही करना है। इसमें ग्रुप में जाके आपको एक ग्रुप लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप लगाना पड़ेगा। सो ग्रुप में जाके मैं इसको ग्रुप कर दूंगी, तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप में चेंज हो गया। आप उसको राइट साइड में मैं वेबसाइट ऐड कर दूंगी, जैसे कि मैं इधर पे ऐड कर रही हूँ, वेबसाइट ऐड कर रही हूँ www.catness.org, सेम एज इट इज और एक ऐड कर लूंगी, और उसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लूंगी। थोड़ा साइज इंक्रीज करने के बाद उसको थोड़ा बोल्ड भी कर लूंगी। तो उसका आउटलाइन हम रिमूव कर देंगे। देखिए अभी मेरा लेटर हेडिंग डिजाइन बनके तैयार हो गया है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपना मनपसंद लेटर हेडिंग डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताते रहूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू, बाय बाय।